नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं स्पीड में और बात करने वाले हैं पांच बड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में। जो नया अपडेट निकल कर आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपके बारे में पांच ऐसी बड़ी योजनाओं की जानकारी हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए आपको बता देते हैं उन पांच बड़ी योजनाओं का जो नया अपडेट है वो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली और सरकारी योजना में लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए आपको एक एक करके पांचों के बारे में बता देते हैं क्या है वो पांच अपडेट और क्या है वो पांच सरकारी योजना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहली योजना की ओर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में तेजी के लिए सरकार लाएगी ई रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें कि कई ऐसे स्टेट हैं जहां इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑफलाइन है। फॉर्म भर के अपने ग्राम पंचायत में जमा करवाना होता है या फिर पंचायत समिति में। तो अब आपको बता दें कि सरकार किसानों के लिए शुरू की गई पीएम किसान योजना में तेजी लागू करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी ने बताया कि हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प शुरू करने की योजना बनाई है, जिसके तहत किसान किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को ग्राम पंचायत या पटवारी या किसी अन्य ऑथराइज अधिकारी द्वारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जा सकता है। ऐसा होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और स्कीम में तेजी लागू होगी। और इसके साथ ही आपको बता देते हैं उन्होंने कहा है कि इस स्कीम को सभी किसानों के लिए लागू करने के बाद देश में इससे फायदा पाने वाले किसानों की संख्या 145 मिलियन यानी 14.5 करोड़ होने वाली है। हर किसान को स्कीम के तहत फायदा पहुंचाने में काफी समय लगेगा, लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया पेश करेंगे ताकि इस समय को कम किया जा सके। बात करेंगे दूसरी बड़ी योजना की और LIC स्कीम। मात्र 121 रुपए से करें इस योजना में निवेश, बेटी के कन्यादान पर मिलेंगे पूरे 27 लाख रुपए। चलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आपको बता दें कि आमतौर पर लोग अपनी बेटी की शादी के लिए चिंता करते हैं। अगर आप भी बेटी की शादी की चिंता करते हो तो अब आप चिंता करना छोड़ दे। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने एक खास स्कीम निकाली है। आपको हर रोज 121 रुपए के हिसाब से जमा करवाने और 25 साल बाद आपको 27 लाख रुपए मिलेंगे। और दोस्तों इस स्कीम के बारे में आने वाली वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझा देंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। बात करेंगे अगली योजना की और सहकारी ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना प्रारंभ। आपको बता दें कि राजस्थान में अब सहकारी बैंकों से जो ऋण मिलेगा वो ऑनलाइन पंजीयन होगा और ऑनलाइन के माध्यम से बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप ऑनलाइन सहकारी बैंक से लोन यानी फसली ऋण है वो ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अपने नजदीकी ई मित्र या फिर सहकारी बैंक की किसी BC से आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको अपना वेरिफिकेशन करवाना होता है अपने ई मित्र या फिर अपने नजदीकी BC के पास। बात करेंगे अगली योजना के बारे में, पशुपालन गव्य कृषि और मत्स्य योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन करना होगा आवेदन। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब पशुपालन गव्य कृषि और मत्स्य विभाग की सहकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसको लेकर विभाग ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है। बिहार सरकार की वेबसाइट NIC.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट को 1 अप्रैल 2019 से शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय वेबसाइट पर किसानों को पावती रसीद भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका वो प्रिंट निकाल सकते हैं। बात करेंगे अगली योजना की और, अब किसानों को हर साल 12,500 रुपए मिलेंगे। अक्टूबर में नई योजना होगी लॉन्च। आपको बता दें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने प्रदेश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए नई योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस योजना को रायतु भरोसे स्कीम नाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार CM रेड्डी ने योजना को 15 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को 12,500 रुपए सालाना दिए जाएंगे, वो भी सीधे बैंक खाते में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि प्रदेश के 1 करोड़ किसानों को 12,500 रुपए सालाना उनके बैंक खातों में उनकी सहायता के लिए डायरेक्ट दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की योजना अपडेट, पांच बड़ी योजना वे उनके अपडेट के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अगर आप ऐसी सरकारी योजनाओं के नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली योजना में सरकारी लेटेस्ट अपडेट के वीडियो आप तक पहुँचते रहे।